नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जो है टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी। और आज बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है जो है अपने इनकी अपने सेबी चीफ की। आप लोगों को पता ही है कि उनके ऊपर रोज एक तलवार लटकी रहती है, चाहे वो डोमेस्टिक तलवार हो चाहे वो इंटरनेशनल तलवार हो, और वो उसको झेल नहीं है। उनपे पर ही नहीं, उनके उनके पति पर भी आरोप लगा, उनके मित्रों पर भी आरोप लगा, उनके कार्यशैली पर भी आरोप लगी है। बट जो भी हो, उनका जो ये डिसीजन है वो अपना सराहनीय है। इस डिसीजन के कई सारे लोग ये आलोचना कर रहे हैं कि बहुत सारे फंड्स जो है 100 रुपए पर SIP का देते हैं। देखिए वो देते हैं, लेकिन उनका क्लॉग ये है कि भाई वो 5000 रुपया एक मुश्त लेना चाहते हैं। अब स्टूडेंट हो गया या कोई भी लोअर लेवल का तबके का बंदा हो गया, ये हो गया, वो फिर 5000 रुपया देगा, उसके बाद में फिर SIP स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद में तुम्हें करोगे, तो काफी सारी चीजें होती हैं। अगर वो सेबी चीफ हैं और उन्होंने इस चीज को, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा क्यों उन्होंने इन चीजों को उठाया है, ये मैं जरूर उठाऊंगा। अभी आपको मैं चीज बताता हूं। रही बात की सेबी चीफ के ऊपर मेरे को सिंपैथी क्यों है, सिंपैथी तो मैं नहीं कह सकता, यह सिंपैथी ही मान सकता हूं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी आदमी है, तो उनको मैं सिंपैथी तो नहीं कह सकता हूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही है। और वो सॉफ्ट कॉर्नर क्यों मैं आपको बताता हूं, यार देखो कई सारी स्टोरीज होती है, उनका बहुत ज्यादा मोरल होता है, क्या नाम अपना, हमें सीखने को मिलता है कि उससे हमें सीखने को क्या मिलता है। तो हमने एक राजा विक्रमादित्य की कहानी पढ़ी थी, और राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा होते थे हमारे यहाँ के, आप लोग जानते हैं जो कि पुराने लोग हैं, नए लड़के तो पता नहीं पढ़ते हैं, कहानियां नहीं पढ़ते हैं। बट वहां पर एक हमारी अवधि में कहावत है कि नई राजा विक्रमादित्य के ऊपर विपत्त पड़ी तो भूजी मछरिया जल में गिरी। मींस जो है उन्होंने मछली भूनी थी खाने के लिए, जब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, वो भी कुछ जब वो आए नहा करके कि मैं उसको खाता हूं, तो देखे वो भी मछलियां छटक छटक करके पानी में चली जा रही हैं। उनकी उनके हार को, उनके जहां पर वो काम कर रहे थे वहां की रानी के हार को खूंटी ही निकल गई थी, जिस खूंटी पर उस रानी ने टांगा था, और उसका आरोप इनकी वाइफ के ऊपर लग गया। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जब समय खराब होता है तो बहुत सारे आरोप बहुत चौ दिशाओं से लगते हैं, लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है, जांच किस लेवल का होता है, वो बात अलग की हो गई। और रही बात की यार ये सब देखते देखते ना करप्शन करप्शन फलान ढमाक ये वो करके ना, अब तो दिमाग यही बोलता है कि भैया ठीक है जो हो रहा है होने दो, जो कर रहा है करने दो, अगर जो भी अच्छा कर रहा है कम से कम उन चीजों को लो। सीधी और सिंपल सी बात हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, तो उस पर मैंने बताया है कि हो सकता है कि आदमी का कभी कभी जब समय ऐसा आता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन अगर अगला या अगली जो बच करके निकल जाते हैं उससे, और वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, तो फिर अच्छी बात है, उसमें हमें क्या है भाई, मतलब हम किसी जो है कोर्ट से या उससे तो ऊपर है नहीं, एजेंसियों से ऊपर तो है नहीं, तो हमें अपनी थॉट प्रोसेस को करना पड़ेगा। हो सकता है नए लड़के या कोई भी ऐसे हो जो कि उस प्रवृत्ति, भाई देखो मेरी 49-50 साल की उम्र है तो सोचने का नजरिया मेरा थोड़ा सा अलग हो गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा आया क्यों होगा। देखो दोस्तों मैं दो चीजों का एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत ही एग्जांपल, देखो सहारा का मैं जानता हूं, खुंचे वाला, मुची, चाय वाला, पान वाला, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब जो किसान परिवार स्टूडेंट सब लोग, यहां तक कि बहुएं भी अपने मायके का लाया हुआ पैसा किसी ना किसी एजेंट पे हाथ पर रख करके, और उसके बाद में वो जा करके वहां पर पहुंचता था, सहारा ऑफिस तक पहुंचता था। उसके बाद में फिर अगर उनकी संगति का असर नहीं होता, पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होती, या मैं बिल्कुल खुल करके बोलना चाहूंगा, सुब्रतो राव ने अगर वो चिट्ठी नहीं लिखी होती सोनिया गांधी को, क्या विदेशी मूल की महिला है, मेरी तरफ से आप प्रधानमंत्री ना बने तो ही अच्छा है। अब उन्होंने किस भावना से लिखी थी, अच्छे भावना से लिखी थी या दुर्भावना से लिखी थी, वहीं से उनके दिन के शिकार, मतलब दिन बुरे हो गए। और रही बात, बहुत लोगों को लगा कि कॉरपोरेट जो बैंकिंग का जो एक सिस्टम था, सहकारी सिस्टम था, उसमें ये अपना लॉबियां जो थी ये ना, बाकी छुट भैये नेता जो थे जिनके साथ में वो लेकर के घूम रहे थे, उसमें अमर सिंह जी हुए, आदरणीय मुलायम सिंह जी हुए, और बाकी लोग जो इस प्रकार के लीडर्स थे, वो ऐसा लगा लोगों को कि इनका हवाला का पैसा, इनका पैसा वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट किया जा रहा है। तो काफी सारी चीजों की गाजगिरी काफी सारी उसमें ये हुई है, उसमें भी जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसका जो वहां से भी जो हमें मोरल मिलता है, जो हमें सीख मिलता है, जो हमें लेसन मिलता है कि जब तक ये इस बात को सेबी चीफ, क्योंकि वो एक बड़े छोटे एम्प्लॉय की ICICI, वहां से उन्होंने अपने करियर को शुरू किया था। आज देखो चंदा कोचर आरोप लगने की वजह से, अगर उसमें सच्चाई पाई गई तो वीडियो कॉन की वजह से वो आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं। मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि कम से कम वो इनको सेबी चीफ को माधुरीपुरी बूच मैम को बचाएं कम से कम, क्योंकि हमने आपको बता दिया हमारी सिंपैथी क्यों है। अब रही बात की आम लोगों की अगर भागीदारी हो गई, क्योंकि उन्होंने रिटेलर्स की ताकत को पहचाना है,
बात हमारी समझ रहे हो, जितना FIIs ने हमें तड़पाया है, हमारी मार्केट को डराया है, धमकाया है, दबाया है, उन चीजों को समझते हो। अगर मेरे को इतनी समझ है तो मेरे ख्याल से उनको तो इतनी समझ होगी ही कि अगर जन भागीदारी बढ़ती है, अगर आम निवेशक का बढ़ते हैं तो काफी सारा यहां पर। बस अभी क्या है कि ये कि सही तरीके से सिस्टम में जांच की एक तो व्यवस्था होनी चाहिए, ऑडिट की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, लेखा जोखा सही तरीके का होना चाहिए, और उसके बाद में अगर आम आदमी भागीदारी करता है तो समझो कि इंडियन मार्केट कहां पर जाएगी। तो जो लोगों को यह है कि 25 लाख नहीं, 25,000 नहीं, निफ्टी आपकी 2.5 लाख 3 लाख पर जाएगी, सेंसेक्स आपका आज 80-85 हजार है, 80 लाख पर जाएगा, तो ऐसा लोगों को उम्मीद है तो ये बात पक्का सही साबित होती दिखेगी। और मैं एक बात आपको बताऊं कि चाहे कोई कुछ बोले कुछ ना बोले, मैं उन चीजों को नहीं मानता हूं। आज के टाइम पर हमारे यहां पर 25 साल के युवा की सबसे बड़ी आबादी हो रही है, वन ऑफ द मोस्ट यूथ होल्डिंग नेशन बन रहा है पाप इंडिया आज की डेट। अब जिसके देश में 25 साल, और आखिर में जब उन्होंने बोला है स्टार बर की कॉफी से भी सस्ता हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तो एक कंपटीशन चलेगा बैंकिंग और आरबीआई और इसके बाद में सेबी और आपके म्यूचुअल फंड एमसीज के बीच में, ये मेरे को लग रहा है। और ये कंपटीशन होना चाहिए, अगर हेल्दी कंपटीशन होता है तो मेरे ख्याल से मार्के की बात होगी, और ये मार्के की बात होगी, इसको हमने बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। एक्चुअली हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए बिकॉज क्योंकि जन भागीदारी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी अगर होती है मार्केट, क्योंकि आजकल का डिजिटल जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में तकरीबन समझ लो कि जो है घर घर में अपना लैपटॉप वगैरह भी बच्चों के लिए हो गया है, तो अगर वहां से जन भागीदारी आ रही है और ज्यादा नहीं सिंपल सिंपल सा अमाउंट अगर कंपाउंडिंग का देश की ग्रोथ में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए, एक बार इसको बैठ करके थोड़ा तसल्ली से सोचिएगा, जो युवा वर्ग है और जो खास करके जो एजेड भी हैं वो भी सोचिएगा कि अगर आप अपने उन आने वाली पीढ़ियों को 100-100 रुपए की SIP, 200-200 रुपए की SIP खोल करके उनको दे देते हैं कि बेटा ये एक बर्थडे पर अगर आप गिफ्ट कर देते हैं तो उसमें क्या हार्म होगा, आप बताइए। आप उनका KYC कंप्लीट कर देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, वो बच्चा अपने आप में ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा भाई। जहां से भी उसके पास अगर 100-200-500 रुपए आएगा वो अपना इन्वेस्ट करेगा, वो अपना इन्वेस्ट करेगा। वो जो यहाँ वहां पर अनाप शनाप खर्चा करता है वो जो है जाएगा। अब मैं ये तो बात कर रहा हूं किसकी, जो कि एक गरीब तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास का है, जो EWS का है, इकोनॉमिक बेकर सेक्शन का, या बिल्कुल भी लोअर तबका है, उसकी भी अगर भागीदारी यहां पर बढ़ जाती तो उसमें क्या बुराई है। और उसके बाद में जो अमीर लोग हैं जिनके बच्चे नाजायज फूंक रहे हैं, अगर वो निवेश की ताकत को समझते हैं, वो कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं, वो उसके बाद में करते हैं, तो सोचिए देश हमारा कहां से कहां जाएगा। फिर एक बार हम सोने की चिड़िया होंगे, ऐसा मेरा ये मानना है। तो देखता हूं अभी आप लोग इसको कितना पसंद करते हो। वैसे मैं अपनी तरफ से तो भाई डालने की कोशिश करता हूं, और हमेशा कम से कम आप लोगों ने देखा होगा मैं निगेटिविटी की तरफ थोड़ा कम ही जाने की कोशिश करता हूं। तो ठीक है, अब आप लोग दीजिएगा सेबी चीफ के बारे में, आपको उनकी सोच के बारे में, उनकी आइडियाजोले के बारे में आपका क्या राय है जरूर बताइएगा हमें। बस ये साथ ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं शाम को आज की मार्केट के बाद में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।